अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सूप बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी चढ़ा दिया तकरीबन 1.5 लीटर तक। इसमें हम लोग चिकन डाल देंगे। अब हम लोगों ने बोनलेस चिकन ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। आज हम बोनलेस के बग़ैर चिकन यूज़ करेंगे और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप तैयार होगा और ये बिल्कुल रेयर रेसिपी है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक का और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और चिकन को गलने देना है। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको पकने देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से चिकन हमारा गल चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी चिकन को। तमाम चिकन आप लोगों ने निकाल लेना है और इसके आप लोगों ने रेशे तैयार करने हैं, ठीक है। तो तमाम चिकन को मैंने माशाल्लाह से निकाल दिए हैं। अब जो है हम लोग इसमें डाल देंगे क्रश की हुई गाजरें और हरी मिर्चें। ये दो चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है और इसको आप लोगों ने पकने देना है, ठीक है। क्योंकि हमारी गाजरें जो हैं थोड़ी सी गल जाएं, गाजरें माशाल्लाह से हमारी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी जिनके मैंने रेशे बना लिए थे। आप लोगों ने चिकन इसमें ऐड करनी है और अच्छी तरह से इसको चम्मच को चला लेना है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने चलाना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है विनेगर। 2 चम्मच आप लोगों ने वाइट विनेगर यूज़ करना है। उसके बाद 2 चम्मच इसमें सोया सॉस यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आप लोगों की ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसके बाद इसमें हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चें, हसबे जायका, नमक। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है और इसको पकने के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आधा घंटा मैंने इसको पकने दिए हैं माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा। अंडा डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट इसको पकाएंगे, क्योंकि इससे अंडे की स्मेल नहीं होगी सूप में। तो 5 मिनट इसको मज़ीद पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट मैंने इसको पकने दी है ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूंगी नूडल्स, ठीक है। आप लोग इसमें नूडल डाल दें और इनको छोटे छोटे पीसेस में आप लोगों ने कर देना है। तमाम नूडल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकने दिया। अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी 2 चम्मच के करीब। आप लोगों ने इसमें चिली सॉस ऐड करना है, इससे इसका कलर भी खूबसूरत आएगा, इसके टेस्ट में भी इजाफा होगा। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है ऐसे, जितना आप लोगों को ये पसंद हो गाढ़ापन उतना आप लोग कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किए, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो 5 से 6 चम्मच आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको पकने दिए हैं। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका है और माशाल्लाह से सूप हमारा बिल्कुल तैयार होने के करीब है और माशाल्लाह से ये तैयार भी हो चुका है। तो मैं इसको निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।